नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिव्यश्वर उपाध्याय। देश में अब ऐसी सरकार है जो देश विरोधी मानसिकता वालों की आए दिन कमर तोड़ रही है। खासकर पहले जो लोग देश के खिलाफ साजिश रचकर या फिर तगड़ा चूना लगाकर विदेश भाग जाते थे, अब मोदी सरकार में ये भागने से पहले ही पकड़े जा रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार ने देश विरोधी लॉबी पर नकेल कसने का काम किया है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शनिवार को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के युवा नेता रऊफ शरीफ को गिरफ्तार किया है। रऊफ शरीफ देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन ईडी ने समय रहते कार्रवाई की और उसे एयरपोर्ट से धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक शरीफ को केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक सरकारी एजेंसी को लगी तो तुरंत एक्शन लेते हुए रऊफ के इस योजना पर पानी फेर दिया। दरअसल रऊफ शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांटेड है। आरोप है कि रऊफ शरीफ के खाते में ओमान और कतर से 2 करोड़ रुपए आए थे। इन पैसों का प्रयोग असामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। शरीफ से पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों ने उसे नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन जांच एजेंसियों के नोटिसों से खुद को बचा रहा था। वो कोरोना महामारी का बहाना बनाकर काफी समय से छिपा हुआ था। इसके अलावा हाथरस केस की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश में 5 अक्टूबर को कई लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया था। इनमें आरोपी अतिकुर रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में आर्थिक मदद और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केरल के रऊफ शरीफ की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। नोटिसों से खुद को बचा रहा था और इधर उधर छुपता घूम रहा था। इसी के तहत उसने देश से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के महासचिव रऊफ शरीफ पर देश विदेश में करोड़ों रुपए की फंडिंग पाने और उसका प्रयोग सामाजिक वैमनस्यता और दंगे भड़काने के लिए करने का आरोप है। तो वही हाल ही में पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही ईडी ने कई जगह छापेमारी की थी। यूपी समेत देश में 26 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इन ठिकानों से जांच एजेंसी को अहम दस्तावेज भी हासिल हुए और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। पीएफआई का नाम आए दिन देश में दंगा भड़काने के मामले में सामने आता रहता है, जिसे पूरे देश में बैन करने की मांग लगातार उठती रहती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।